विक्रम, मेरा सवाल। किसी नगर में तीन मछुआरे रहते थे। तीनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। वे अपनी नाव में जाकर नदी से मछलियां पकड़कर गुजारा किया करते थे। एक दिन श्यामू ने कहा, आज तो गिनती की मछलियां ही पकड़ाई। मेरा भी ऐसा ही हाल है। और तुम? पश्चिम दिशा के उस बड़े से तालाब में भी मछलियां नहीं हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं दादाजी के घर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। दो दिन बाद जीवा कहता है, आज तो एक भी मछली नहीं पकड़ाई, क्या करना चाहिए समझ नहीं आता। वासु कहता है, हमें बीच समुद्र जाकर मछलियां पकड़नी चाहिए। मैं एक व्यापारी को जानता हूं, जो हमें एक बड़ी नाव एक दिन के लिए दे देगा। व्यापारी से बड़ी नाव लेकर वे तीनों बीच समुद्र में मछलियां पकड़ने चले जाते हैं। समुद्र के बीच पहुंचने पर वहां एक बड़ा सा तूफान आ जाता। वह तूफान उन्हें एक सुनसान टापू पर ले जाता है। वे तीनों देखते हैं उनकी वह नाव चकनाचूर हो गई है और वे सभी चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। टापू पर फंसे उन्हें दो दिन बीत चुके थे। अगले दिन उन्हें उगते सूरज के समय टापू के अंदर कुछ चमकता नजर आता है। वे तीनों वहां पहुंचकर देखते हैं कि ये तो एक पुराना सा चिराग है और तीनों ही उसे उठाने में उस पर झपटते हैं। इस बीच उस चिराग में से एक जादुई जिन बाहर निकलता है। वह कहता है, आप तीनों ने मिलकर मुझे चिराग से बाहर बुलाया है, इसलिए आप तीनों एक एक करके अपनी इच्छाएं मांग सकते हैं। यह सुनकर तीनों ही बड़े खुश होते हैं। वासु कहता है, मुझे अपने घर की बड़ी याद आ रही है, मेरी इच्छा है तुम मुझे मेरे दादाजी के घर भेज दो। ठीक है। ऐसा कहकर वह जिन उस वासु को उसके दादाजी के घर भेज देता है। श्यामू कहता है, मेरा परिवार मेरी बड़ी चिंता कर रहा होगा और मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, तुम मुझे मेरे परिवार के पास भेज दो। यह सुनकर वह जिन श्यामू को उसके परिवार के पास भेज देता है। अंत में तीसरा मछुआरा जीवा रह जाता है। आपकी क्या इच्छा है, आपको बताएं। मेरा ना कोई परिवार है और ना कोई घर है, सिवाय उन दो मित्रों के। मेरी इच्छा है मैं उन दोनों मित्रों के साथ रहना चाहता हूँ। तो बताए विक्रम, वह जिन उस मछुआरे की इच्छा कैसे पूरी करेगा। तो सुन बेताल, उस तीसरे मछुआरे ने तीसरी इच्छा गलत मांगी थी, क्योंकि भले ही तीनों मछुआरे पहले एक ही नगर में रहते थे, लेकिन अब वासु नाम का मछुआरा अपनी पहली इच्छा से दादाजी के घर चला जाता है। तो फिर वह जिन उस जीवा को दो अलग अलग जगह उसके मित्रों के पास कैसे भेज सकता था। इसलिए वह जिन उन दोनों मित्रों को वापस उसी टापू पर उस मछुआरे मित्र के पास साथ रहने के लिए ले आएगा। विक्रम, तेरा जवाब सही है, लेकिन मैंने कहा था तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा, लेकिन तू बोला मैं चला। ठहरो बेताल, ठहरो, तुम नहीं जा सकते। लेकिन महाराजा विक्रमादित्य कभी हार ना मानने वाले महाराजाओं में से एक थे। वे उस पुजारी के कहे अनुसार उस बेताल को लाने के लिए फिर जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर महाराजा विक्रमादित्य उसे पेड़ पर देख कर पुनः अपनी पीठ पर टांग लेते हैं। विक्रम, तू तो बड़ा ही जिद्दी है, नहीं मानेगा, लंबा सफर है, कैसे बीतेगा। सन सवाल विक्रम, बीच में ना बोलना, नहीं तो हो जाएंगे तेरे सिर के टुकड़े हजार। दसन विक्रम, मेरा सवाल।